गॉड क्या हुआ, बर्फ गिर रही है, हटो। आ रहा पत्थर आ रहा। मौत से मुकाबला करना है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल। पकड़ यार। हड्डियां टूटने का दर्द ये तो कोई भी सह सकता है। सर पर सैकड़ों टन की चट्टान गिर भी गई तो धूल झाड़ कर खड़े हो जाएंगे। बर्फ के दलदल में धस गए तो 2 मिनट में तैर कर पार हो जाएंगे। और हमारे लिए सैकड़ों फीट गहरी खाई में कूदना तो 2 सीढ़ी से छलांग लगाने जैसा है। आपको ये बातें पागलपन लग रही होंगी ना? आपको लग रहा होगा कि हम डींगे हांक रहे हैं। जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं। चोट का दर्द, मौत की दहशत, सब लोगों की तरह हम भी महसूस करते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर हर कदम पर मौत थी तो हम पीछे क्यों नहीं लौटे? जिन रास्तों पर पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थी, हम उल्टे उसी दिशा में क्यों जा रहे थे? जब सबने कहा कि बर्फ में दब जाओगे, मारे जाओगे, मत जाओ, तब भी हमने उसी बर्फ को रास्ता क्यों बनाया? तो जवाब है ये दावे। जैसे तुम अमरनाथ ने, वो सब मराठी अमरसेन है कि यहाँ पे भोलेनाथ अपने सपरिवार के सहित है, सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ। एक नहीं, दो नहीं, जिस भी शख्स से हमने पूछा वो हर सिर श्रद्धा से झुक गया। और हर दावे में एक ही बात, जी हाँ, वहां है उस पहाड़ की एक गुप्त गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान है। हमने कहा कश्मीर में, उन्होंने कहा नहीं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और अमरनाथ है। हमने कहा नामुमकिन है, उन्होंने कहा वहां जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो। अब हमें कौन रोक सकता था? तो चलिए देखते हैं कि उस गुफा में क्या है, सिर्फ बर्फ या देवों के देव महादेव? आधी हकीकत आधा फसाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा कहां है तो आप कहेंगे कश्मीर में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाबा बर्फानी कश्मीर के अलावा उत्तराखंड की एक गुफा में भी दर्शन देते हैं तो आप मानेंगे? नहीं ना। दरअसल भारत तिब्बत सीमा पर रहने वाले कुछ लोगों ने हमें यह बताया था कि उनके गांव के ऊपर एक ऊंचे पहाड़ में एक गुप्त गुफा है और उस गुफा में शिव बर्फानी रूप में प्रकट होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमरनाथ में दर्शन देते। इतना ही नहीं, वहां आपको शिव का पूरा परिवार यानी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का बर्फानी रूप भी दिखाई देगा। हमने पूछा कि अगर ऐसा है तो किसी पुराण में, किसी और प्राचीन ग्रंथ में उस जगह का जिक्र क्यों नहीं है? तो लोगों ने कहा वो तो हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि जो गुफा तक पहुंच गया, समझो वो तर गया, समझो उसने अमरनाथ के दर्शन कर लिए। लेकिन वहां तक पहुंच पाना बेहद खतरनाक है। गहरी खाइयां, ऊंचे पहाड़, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर का बहना, बादल फटना, बर्फीली दलदल, खतरे तो इतने थे कि न गिने जा सकते हैं ना उनसे बचा जा सकता था। और दावा कितना बड़ा है तो आपने सुनी लिया है। तो चलिए तलाशते हैं अमर कथा सुनाने वाले एक और अमरनाथ।
आसमान चूमते ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बर्फ की सफेद चादर, उसमें घुलता सूरज का सुरमई रंग और कानों में गूंजते लोकगीत के मीठे बोल। हर तरफ खूबसूरती बिखरी हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था हमारी आंखें इन नजर सोज नजारों के बजाय मंजिल की ओर थी। अब दावा ही हमने ऐसा सुना था। दावे की हकीकत जानने के लिए हमने अपना सफर शुरू किया बद्रीनाथ से। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और पहाड़ों की इन वादियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बता देता हूं कि मैं कहां पर हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बद्रीनाथ धाम में और यहां से मेरा एक बहुत अच्छा प्लान है आगे का। मुझे जाना है अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के पास। अब आप कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है भाई, बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में और आप बात कर रहे हैं अमरनाथ की, मतलब जम्मू कश्मीर की, ये क्या बात हुई। यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास एक गुफा है जिसमें बाबा बर्फानी का एक शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग, जो अपने आप बनता है और अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है और दूसरा वहाँ पहुँचने के लिए आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आइए चलते हैं और तलाशते हैं कि बाबा बर्फानी की उत्तराखंड में जो गुफा है वो कहाँ है। हमारी मंजिल थी भारत तिब्बत सीमा पर बसा आबादी वाला आखिरी गांव नीति, जिस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फानी बाबा के होने का दावा किया जा रहा था। वो प्राचीन गुफा नीति गांव से चंद किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। हमने सोचा था कि नीति गांव के लोगों से हम गुफा की हकीकत पूछेंगे, फिर उन्हीं को साथ लेकर गुफा की तलाश में निकलेंगे। एक तो उन्हें गुफा का रास्ता पता होगा, दूसरा वो हमें बर्फीले रास्ते में किसी हादसे से बचाएंगे। लेकिन हम इस सफर को जितना आसान समझ रहे थे वो उतना था नहीं। होता क्या है कि बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने की वजह से पानी बन जाता है और ये दलदल सी बन गई है। अब इसमें ट्रैक्शन नहीं लेता टायर, तो बिल्कुल मतलब पहिया घूम रहा है दलदल में, गाड़ी आगे नहीं जा रही है। अब हमको मतलब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे हालात में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उम्मीद थी कि निकल जाएगा लेकिन कहीं पे भी आप देखिए किस कदर दलदल है, बहुत ज्यादा। मदद कर रहे हैं किसी तरह से कि गाड़ी निकल जाए। हमने फिर कोशिश की लेकिन कीचड़ बहुत गहरा था। चलो एक आखिरी कोशिश और करो पत्थर के ऊपर से। बस बढ़िया, वाला टायर फंस गया, वाला उतर होगा। पत्थर पे उठाओ। जल्दी थी कि मैं पहुंच जाऊं और आपको वो उत्तराखंड का अमरनाथ दिखा सकूं, बट रास्ता उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मतलब उम्मीद थी कि गाड़ी काफ़ी दूर तक जाएगी लेकिन अब लग रहा है कि बहुत पहले गाड़ी छोड़ देनी पड़ेगी। और यहाँ मैं उतरूँ भी कहाँ, देख रहा कितनी मिट्टी है, कितनी दलदल है, मतलब मेरा पूरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। फाइनली यस, आखिरकार हमारी मेहनत सफल रही। अब हमें ये लगने लगा था कि जब सड़क पर इतनी मुश्किलें मिल रही हैं, तो बर्फीले रास्ते में हमारे साथ क्या हो। आ,
मुश्किलें और खतरा दोनों बहुत बड़ा था। ओ गॉड, क्या हुआ? बर्फ गिर रही है। हटो। आ रहा पत्थर आ रहा। अबे बाहर। लेकिन हम ये भी जानते थे कि अगर हजारों साल पुरानी वो गुफा मिल गई तो आज आप टीवी पर पहली बार उत्तराखंड के बाबा बर्फानी को देख पाएंगे। बढ़ता हौसला उम्मीद का सहारा बन चुका था। हम गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते उससे पहले एक पारंपरिक धुन ने हमारा रास्ता रोक लिया। उत्तराखंड की संस्कृति देखने क्या रुके, जैसे हमारी किस्मत ही खुल गई। पूछा तो पता चला ये नीति गांव के लोग थे, इन्हें ही तो हम तलाश रहे थे। नीति गांव काफी ऊंचाई पर बसा है, वहां ठंड में पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर तलहटी में आ गए थे। अब सारे सवालों का ठोस जवाब मिलने वाला था। जो फोन पर सुना था क्या वो वाकई सच था? जिस तरह से कश्मीर का अमरनाथ है, उसी तरह उत्तराखंड में भी यह त्रिम्बकेश्वर संस्कृत शब्द से बिगड़ा हुआ रूप त्रिम्बरसेन है, और इस ये शिव का एकमात्र धाम है जहाँ पे सर्दियों में मार्च फरवरी अप्रैल तक बर्फ के लिंग, कई एक लिंग नहीं कई लिंग रहे। यहाँ पे बताते हैं कि पुराने जमाने जो बताते हैं बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पे भोलेनाथ अपने सपरिवार के सहित हैं, मतलब भोलेनाथ हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक जी सपरिवार के साथ विराजमान हैं। बातों में शिव की महिमा और आंखों में शिव भक्ति की चमक, सबने कहा हां, गुफा में शिव विराजमान है। शिव वहां बर्फानी रूप धारण करके भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू में अमरनाथ है, वैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में टिम्बरसेन महादेव है। वह टिम्बरसेन में तो बहुत बड़ा शिवलिंग है, ना भी बनता शिवलिंग बर्फ के वो पानी से टपक के। हमने सोचा कि इलाके का हर शख्स तो झूठ नहीं बोलेगा, वैसे भी सब उन शिवलिंगों को अपनी आंखों से देखने का दावा कर रहे थे, यानी ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। अब ये लगने लगा था कि प्राचीन काल से गुफा में बर्फ के शिवलिंग प्राकृतिक तौर पर बनते हैं, बिल्कुल अमरनाथ की तरह। लेकिन सवाल ये था कि अगर वाकई ऐसा है तो अमरनाथ की तरह टिम्बरसेन का जिक्र पुराणों में क्यों नहीं मिलता? अब इसका जवाब तो वही दे सकता था जिसने धर्म को करीब से पढ़ा, समझा और जाना हो। ये जो शिवलिंग है, पुराणों में तो विशेष उल्लेख उनका नहीं मिला है, लेकिन परंपरा चली आ रही है और हम लोग ये मानते हैं कि कुछ अंश कभी भ्रष्ट हो जाते हैं ग्रंथों के, तो हो सकता है कि पुराणों में उनका कहीं उल्लेख रहा हो। फिलहाल ऐसा उल्लेख पुराणों में तो नहीं मिलता है, लेकिन परंपरा ये कहती है कि ये पौराणिक हैं और उसी रूप में उनकी आराधना उपासना इस समय हो रही है। टिम्बरसेन के बारे में प्राचीन काल से दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली ये कि कैलाश जाते वक्त शिव अपने परिवार के साथ टिम्बरसेन में रुके थे, और दूसरी कहानी सीधे अमरनाथ से जुड़ी है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के टिम्बरसेन को अमरनाथ से जोड़कर देखा जाता है। एक बार पार्वती जी और भगवान शिव बैठ करके संवाद कर रहे थे, तो संवाद करते हुए माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव के गले में मुंड माला है, तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रभु ये आपके गले में मुंडमाला किसकी है। बार बार पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि पार्वती ये तुम्हारी मुंडमाला है, और शिव और शक्ति का सदा संयोग है, बिना तुम्हारे हम रह नहीं सकते हैं। तो जितने बार तुम शरीर धारण करती हो, शरीर धारण करने के बाद एक समय आता है कि शरीर पूरा हो जाता है,
पूरा होने के बाद संस्कार करने के बाद जो तुम्हारा मुंड माल है उसको हम अपने गले में धारण कर लेते हैं। मैं बार बार मर जाती हूँ और आप कभी मरते ही नहीं हैं। तो भगवान शिव ने बताया कि ऐसा है कि अमर कथा जानने के कारण मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो भगवती ने कहा कि वो अमर कथा आप हमको भी सुनाइए। तो भगवती के अनुरोध पे भगवान शिव ऐसे गुप्त स्थान पर उनको लेके गए जहाँ पर भगवती पार्वती और भगवान शिव दोनों ही रहे, और भगवान शिव ने भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाना आरंभ किया। अमर कथा जिस समय वो सुना रहे थे उसी समय जिस पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों, उसी पेड़ के ऊपर एक अंड में एक शुक था। भगवती पार्वती तो थोड़ी देर बाद निद्रा के वशीभूत होकर के सो गईं। जब कथा पूरी हुई तो भगवान शिव ने पूछा कि तुमने सुन ली पूरी कथा? फिर उन्होंने बताया कि नहीं, मैं तो सो गई थी। तब भगवान ने देखा कि कोई हुंकारी तो भर रहा था, वो कौन था? तब तक वो शुक दौड़ के वहाँ से भागा, और वो शुक भागते 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 ये जो टिम्बरसेन वाला स्थान है भगवान जी का, उसी स्थान पर आया। शिव भी उस शुक का पीछा करते करते वहाँ आए। वहाँ पर शुक ने भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की। ये भी कहा जाता है कि जो महत्व अमरनाथ में शिव दर्शन का है वही टिम्बरसेन का भी है। जैसे अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाते हैं वैसे टिम्बरसेन भी अमरनाथ जैसा ही स्वरूप है। आप अमरनाथ यदि नहीं जा पाते हो कश्मीर के अमरनाथ में, तो आप उत्तराखंड के टिम्बरसेन में आकर के भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करो, भगवान टिम्बरसेन के दर्शन करो, बर्फानी महादेव के दर्शन करो। हर दावे के साथ टिम्बरसेन की गुफा को तलाशने और शिवलिंगों को देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हमने गुफा की ओर अंतिम सफर की तैयारी शुरू की। बस एक बार नीति गांव पहुंच जाएं, वहां तो मदद मिल ही जाएगी। आखिरकार हम नीति गांव पहुंच ही गए। अब यहां से हमारी मंजिल दूर नहीं थी, लेकिन गांव में कदम रखते ही सारी उम्मीद सारी खुशी एक झटके में खत्म हो गई। नीति आने से पहले मेरा प्लान बिल्कुल सेट था। मैंने सोचा था यहाँ पर आऊंगा, रुकूंगा, गांव वालों के साथ खाऊंगा पीऊंगा और वो मुझे ले जाएंगे टिम्बरसेन महादेव तक। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ कोई भी नहीं है। असल में 8 महीने गांव वाले नीचे चले जाते हैं और अभी तक कोई लौट के आया नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि फ़ोन जो है ना इस वक्त सिर्फ एक कैमरा बना हुआ है, क्योंकि इसमें कोई सिग्नल नहीं है और ये भी नहीं पता कि अब किस तरह से लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि शाम हो रही है और शाम जैसे जैसे गहराएगी हमें रुकने के लिए एक ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अब किसी के घर में तो नहीं घुस सकते कि ताला तोड़ने एथिकली गलत है, और टेंट लगाने की कोई सही जगह मुझे अभी तक नज़र आई नहीं है। तो सबसे पहले वही करना है कि अब अपने लिए कोई जगह आइडेंटिफाई करनी है और फिर ये सोचना है कि अब आगे जाना है तो कैसे जाएंगे। गाँव में रुकना सुरक्षित नहीं था, इसलिए हमने गाँव के बाहर एक सतही जगह तलाशी और वहां टेंट लगाया। फिर ठंड से बचने के लिए अलाव भी जलाया, थोड़ी देर आग सेकी और फिर सोने चले गए। हमें लगा था हम बर्फ और खाई से घिरे रास्तों को पार कर आए। बर्फ में चलने की तैयारी हम करके आए थे, अब किसी न किसी तरह गुफा तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था, अब तक हमने खतरे की सिर्फ परछाई देखी थी, खतरा तो मौत बनकर आगे हमारा इंतजार कर रहा था। क्या हो बर्फ गिर रही है? एक तरफ लोग कह रहे थे कि गुफा में शिव का बर्फानी रूप है, बिल्कुल अमरनाथ की तरह, जाओ देख लो। लेकिन हम जब गुफा की ओर जाने लगे तो हमें चेतावनी दे दी, हमसे कहा कि वहां पहुंच नहीं पाओगे, बहुत खतरा है, बर्फीली हवाएं उड़ा ले जाएंगी, बर्फ में दब जाओगे और न जाने क्या क्या। हमें लगा कि गांव वाले कहीं मशहूर होने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे। ये भी तो हो सकता है कि गुफा में पत्थर के शिवलिंग या प्राचीन प्रतिमाएं हों, बर्फ गिरने से वो ढक जाती होंगी और गांव वाले उसे ही बाबा बर्फानी मान बैठे होंगे। लेकिन ये सब कयास थे,
सच जानने के लिए हमें रात होने से पहले गुफा को तलाशना था। हम जानते थे कि आने वाला सफर बहुत खतरनाक है और इस बार हमारी टक्कर सीधे मौत से, लेकिन हम पीछे नहीं हटे क्योंकि हमें तलाश थी मृत्युंजय की। तो चलिए देखते हैं, मौत दिखती है या मृत्युंजय। नमः। आंखों के सामने ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे और हमारी मंजिल थी टिम्मरसैन शिव की गुफा, जहां पर अमरनाथ की तरह बर्फानी बाबा के होने का दावा किया गया था। हमने बर्फीले रास्ते पर अपना सफर शुरू किया। रास्ते में बर्फ की वजह से जबरदस्त फिसलन थी। सर के ऊपर से बड़ी चट्टान या बर्फ गिरने का खतरा था और दूसरी तरफ खाई थी। यानी हादसा हुआ तो हम कहीं भी भागकर जान नहीं बचा पाएंगे। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम टिम्मरसैन की गुप्त गुफा की तलाश करके रहेंगे। आज आपको उत्तराखंड के बर्फानी बाबा दिखा कर रहेंगे। हम हर कदम फूंक फूंक कर रखते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक बर्फ से ढकी एक चढ़ाई ने हमारा रास्ता रोक लिया। बर्फानी बाबा की गुफा इस पहाड़ी के उस पार थी। देखिए, अभी तक का जितना भी सफर किया है ना, वो लग बहुत मुश्किल रहा था, लेकिन अभी जो मेरे सामने है उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये पूरी ऊंची चढ़ाई है और इसको क्रॉस करना है, और बर्फ भी कितनी गहरी है ये देखिए, पूरी इतनी गहरी बर्फ है। अब इसके अंदर से चढ़ के किस तरह से जाऊंगा मुझे नहीं पता। कोशिश करता हूँ, अगर कर पाया तो ठीक, और नहीं तो भाई, ओ गॉड, मैं यहाँ नहीं हो पा रहा। हम जहां भी पैर रखते कई फीट गहरी बर्फ में पांव अंदर तक धंस जाता था। हमें लगा क्या यहीं से हमें लौटना पड़ेगा। हमने दोबारा जोर लगाया और पूरा दम लगा दिया। ओ गॉड, पैर सीधे चट्टान से टकराया और पूरा शरीर दर्द से कांप उठा। बर्फ पर चढ़ने का फैसला गलत निकला। पकड़ यार, ये निकाल हाथ से। तो मैंने कर रहा था कि आइस बहुत सॉफ्ट है ऊपर, थोड़ा सा एकाबा कोशिश करते थे। बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, वो नहीं गड़ पा रहा, पिकैक्स भी नहीं गड़ रहा यार, नहीं हो सकता। न्यू भाई का तो हम तो आ गए पास ही। पास आ गए तो जाएंगे कैसे, तुम जाओ, मैं ही चलता जाऊंगा। सीधी खड़ी चढ़ाई और ऊपर से कई फीट गहरी बर्फ, चढ़ पाना लगभग नामुमकिन था। हम कम ऊंचाई से ही फिसल गए थे, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। अधिक ऊंचाई से फिसले होते तो इन चट्टानों से टकरा जाते। तब हमारी जान भी जा सकती थी। फिर से इसी रास्ते से चढ़ना मौत को दावत देना था। तो अब क्या करें? क्या हमें यहां तक आकर लौटना पड़ेगा? क्या उत्तराखंड के बर्फानी बाबा की खोज अधूरी रह जाएगी? नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हमने चोट पर बर्फ मलकर दर्द को थोड़ा कम किया। हमारे कैमरामैन विपिन उत्तराखंड के ही हैं।
हमने उनके बताए रास्ते और तरीके को चुना। इस बार मेहनत सफल रही और हम ऊपर तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन न रास्ता खत्म हुआ था न खतरा। जितना मुश्किल बर्फ में चढ़ना होता है उतना ही आसान होता है, लेकिन खतरनाक बहुत होता है। फन लग रहा है मुझको, लेकिन अगर किसी पत्थर से सर्वर टकरा गया ना तो बचूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। किस्मत से बर्फ में छुपी किसी चट्टान से हमारा शरीर नहीं टकराया। कभी कभी रास्ता इतना मुश्किल होता है कि सफर बिल्कुल अनबिलीवेबल लगने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद सफर पूरा होगा ही नहीं, लेकिन थैंकफुली हमारा जो बर्फ का सफर था वो खत्म हो गया। आप देख सकते हैं मैं आइस लाइन से नीचे आ चुका हूँ, मतलब अब वो हिस्सा आ गया है जहाँ पर बर्फ नहीं है, मतलब आसानी से चला जा सकता है। लेकिन टिम्बर सेन कहाँ पर है, वो गुफा जो उत्तराखंड की अमरनाथ मानी जाती है वो कहाँ पर है, ये तो पता चलेगा आगे चल के। लेकिन ये अंदाज़ा मुझे हो गया कि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल काम है। एक तो पहले से ही परमिशन का चक्कर था क्योंकि चाइना बॉर्डर है, लेकिन अगर परमिशन मिल भी जाए तो भी रास्ता इतना मुश्किल है कि आप आ नहीं सकते आसानी से। आइए हम तो चले आपको वहां तक दिखाएं। कदम अब भी संभाल कर चलना था क्योंकि पैरों के नीचे चाकू सी नुकीली चट्टानें थी। हमारी निगाह पैरों के नीचे आने वाली चट्टानों पर थी और हमारे सर पर बैठी मौत की निगाह हम पर थी। देखा कितना बड़ा पत्थर गिरा, हट जा भाई, पत्थर गिर रहा ऊपर से। बाल बाल बच गए, वक्त पर हमने चट्टान गिरती देख ली थी। हमने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जान बचाने के चक्कर में हम हादसे की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं कर पाए। हमारी ओर गिरने वाली वो चट्टान अपने से बड़ी चट्टान पर अटक कर रास्ते में ही रुक गई थी। पहली बार किसी सफर पर हमारे साथ एक के बाद एक कई हादसे हो चुके थे, जैसे हमें कोई टिम्बर सेन पहुंचने से रोक रहा है। क्यों हुआ पता नहीं, आगे क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन अब सोचने समझने का वक्त नहीं था। मंजिल पास आ गई थी। थोड़ी देर में हम टिम्बर सेन की गुफा का रहस्य खोलने वाले थे, जहां बाबा बर्फानी के प्रकट होने का दावा किया गया था, ठीक अमरनाथ की तरह। खतरे को भूलकर हमने रफ्तार और बढ़ा दी और वो गुफा हमारी आंखों के सामने थी। सो फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उत्तराखंड की अमरनाथ गुफा हमारी नजरों के सामने। बहुत मुश्किल काम था भाई साहब, लग रहा था कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं होगा, और पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ता है। अब समझिए, देखिए अमरनाथ गुफा वो है उत्तराखंड की अमरनाथ, कश्मीर वाली नहीं, वो रही अमरनाथ गुफा, वहाँ तक भी चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब से इस गुफा के बारे में पता चला, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं करी, बहुत बार कोशिश की गई है, बहुत बार ये कोशिश की गई है कि उसी तर्ज पर इसको भी डेवलप किया जा सके, बाबा बर्फानी की तरह यहाँ पर भी लोग आएँ दर्शन करें। बट प्रॉब्लम है एवलांच की, ज़मीन खिसकने की। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा पहाड़, अभी कुछ साल पहले ही पूरा का पूरा पहाड़ धसक गया और जो रोड और जो रास्ता यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही थी वो सब उसके नीचे दब गई। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है इस एरिया में और इसी वजह से बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, कोई भी नहीं पहुँच पाया। लेकिन फाइनली हमको पहुँचा दिया है, हमने आपको वो दिखाना है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, मतलब उत्तराखंड के बाबा बर्फानी। आइए गुप्त गुफा का मुहाना सामने था, ऊंचे पहाड़ों के बीच में सदियों से छुपा हुआ। गुफा पहाड़ के बीच में ऐसी जगह पर थी कि इसे आसानी से खोजा नहीं जा सकता था, लेकिन हमने तमाम खतरों के बावजूद आखिरकार उसे खोज ही निकाला। हम तेजी से गुफा की ओर पहुंचे और फिर जो दिखा
वो अद्भुत, बेहद अद्भुत। आपने अपनी जिंदगी में कितने अजूबे देखे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो वाकई में एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में बयान करना बहुत मुश्किल है। आप खुद देखिए, आप इस चीज को इमेजिन करिए कि बिल्कुल इस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं जैसे किसी ने बैठ के स्कल्प की हो, किसी ने, किसी शिल्पकार ने इन सब को बैठ के तराशा हो, ये शिवलिंग जो बने हुए हैं बर्फ के। लेकिन ऐसा नहीं है, सब नेचुरली मेड हैं, मतलब अपने आप बने हैं। सर्दियों में बर्फ किस तरह से, यहाँ पानी की जो बूंदें टपक रही हैं उनसे ये सारे शिवलिंग बनते हैं और गर्मियों में अपने आप पिघल जाते हैं। ये वही है बाबा बर्फानी वाला चमत्कार जो अमरनाथ में होता है, वही यहाँ पर हो रहा है। और मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो यकीन नहीं किया होता, बट आप भी देखिए और बिलीव करिए। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुफा में अलग अलग आकार के बर्फ के शिवलिंग बने हुए थे, ठीक वैसे जैसा हमें बताया गया। हम हर शिवलिंग को ध्यान से देख रहे थे, तभी हमें एक शिवलिंग से अजीब सी रोशनी निकलती दिखाई दी। देखिए टिम्बरसेन, गुफा के अंदर आपने भगवान शिव के दर्शन तो कर ही लिए, अब जरा इस फॉर्मेशन को देखिए। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव की जटाएं हैं, ये पूरी जटाएं हैं यहाँ पर। और एक अजीब सी चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, पता नहीं आपको कैमरे पर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, एक बहुत अजीब सी नीले रंग की रोशनी दिखाई दे रही है। एक बहुत अजीब सी रोशनी है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या है, मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। बर्फ से मेरे हाथ, मेरे पाँव बिल्कुल जमने लगे हैं, बहुत देर नहीं रुक पाऊँगा। लेकिन अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैमरे से कितनी ज़्यादा नोटिसेबल है, बट पूरा ब्लू है, एक अजीब सी ब्लू लाइट है नीचे तक, बहुत नीचे तक एक अजीब ब्लू लाइट है। ख़ासतौर से इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बहुत अजीब ब्लू लाइट है। क्या है, कहाँ से आ रही है, आई हैव नो आइडिया, और ना ही मेरे पास कोई तरीका है जिससे मैं पता कर सकूँ, बट जो दिख रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। नीलकंठ महादेव के शिवलिंग से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी, रोशनी आंखों के सामने थी लेकिन समझ से परे। हमने खूब जांचा, कई तरीकों से परखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चारों तरफ मौजूद बर्फ से हमारा शरीर कांपने लगा था, ठंड बर्दाश्त के बाहर हो गई तो हम गुफा से बाहर निकल आए। एक पांव फिसला नहीं और आप गए नहीं, बर्फ है, बिल्कुल सॉलिड बर्फ है, ऐसा हो रहा है जैसे स्किड मार जाएंगे। धूप में आके कितना अच्छा लगा, ये देखिए हाथ लाल पड़ गया, सुर्ख हो गया बिल्कुल। कैमरामैन पुजारी ने हमें बताया कि गुफा के ठीक ऊपर एक और गुफा है, क्या वहां हमें शिव का परिवार बर्फानी रूप में मिलेगा, ये पता करने के लिए हम फौरन उस गुफा में पहुंचे। कुदरत का एक और चमत्कार हमारी आंखों के सामने था। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन की मोहताज होती हैं। इस शेप को देखिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा एक एलिफेंट हेड लग रहा है, ये एलिफेंट की ट्रंक है और ये उसके बड़े बड़े कान हैं। तो जैसा मुझे बताया गया था कि इस गुफा में सिर्फ भगवान शिव नहीं है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। कैलाश पर्वत जाते वक्त पूरा परिवार यहाँ पर रुका था और उसी की वजह से यहाँ पर ये फॉर्मेशंस हैं। तो ये गणेश जी की मूर्ति अपने आप दिखाई दे रही है, इसको ज़रा गौर से देखिए, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगाइए। बिल्कुल उसी तरह से चौड़ा सिर, उसी तरह से निकले हुए कान और उसी तरह से यहाँ पर बहती हुई सूंड, और ये उनके दंत भी हैं, जो दांत हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक पूरी तरह से अगर आप थोड़ा सा
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगाइए और आपके सामने भगवान शिव भी मौजूद है इस गुफा में। तो अमरनाथ में सिर्फ आपको एक शिवलिंग देखने को मिलता है, यहाँ पर पूरा शिव परिवार मौजूद है। जो शेप है, जो फॉर्मेशन है, कान है, यहाँ पर टस्क है, यहाँ पर पूरी सूंड है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे होता है। टिमरसैन की गुफा में हमें शिवलिंग दिखे, उनके पुत्र गणेश का बर्फानी रूप भी दिखा। क्या गुफा की गहराई में शिव परिवार के दूसरे सदस्यों का बर्फानी रूप भी दिखेगा? गुफा काफी गहरी थी, अंदर घुप अंधेरा था और हमारे पास रोशनी का कोई साधन नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि गुफा अंदर किसी गुप्त खाई तक जाती हो। पहले से ही बर्फ की वजह से पैर फिसल रहे थे। अगर हम फिसल कर खाई में चले गए तो जान भी जा सकती थी। अब गुफा के अंदर भी ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था। हमें लगा सफर खत्म हो गया और हादसों का दौर भी, लेकिन ये हमारी गलती थी। मैं आपको क्या बताऊं, इस वक्त मेरे साथ क्या हुआ, बर्फ गिर रही है, हटो, यही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये पूरा बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा जो है ये ऊपर से गिरा, मैं यहाँ से सिर्फ क्रॉस कर रहा था, आधे सेकंड की देरी हुई। अगर मैं आधे सेकंड ज्यादा सा पहले या बाद में होता तो मैं इसके नीचे दब गया होता। ये पूरा बोल्डर ऊपर से गिरा है, ऊपर से टूट के एकदम से यहाँ पे गिरा है और सिर्फ चंद सेकंड का फर्क था, चंद सेकंड का फर्क था। देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह से ही ऊपर से आके गिरा है। अगर ये ओख बच गया भाई, निकल यहाँ से, और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुकूंगा, तुम्हें जो शूट करना करो, मैं जान नहीं दे सकता। वो कब से समझा रहे हैं कि चलो निकलो यहाँ से, पूरा बर्फ गिर रही है यार। देखिए उत्तराखंड के बाबा बर्फानी शायद नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों को उनकी इस चमत्कार के बारे में पता चले। टुकड़े गिरने शुरू हो गए, देखिए ये अभी ऊपर से गिरा है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े ऊपर से गिरने लगे, जो बिल्कुल ये सिग्नल दे रहे हैं कि बर्फ जो है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा और अगर हमने देर करी ना तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। निकलो, चल भाई, चलो चलो चलो, आ जाओ यार, आ जाओ, छोड़ दो, हो गया शूट। इतने हादसों के बाद अब हम जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि हमारी तलाश सफल रही। हमने तमाम खतरों का सामना किया, कई बार मौत को करीब से देखा, लेकिन आगे बढ़ते रहे और आखिरकार हम आपको टिमरसैन की उस गुफा को दिखाने में कामयाब रहे जहां शिव बर्फीले स्वरूप में विराजमान है। उत्तराखंड के टिमरसैन में बाबा बर्फानी के होने का दावा कोई फसाना नहीं है, बल्कि हकीकत है, एक अद्भुत हकीकत।